कैसे मेरे बहन भाई? खरीये से जी, अल्हम्दुलिल्लाह खरीये से। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा। कीमा को मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया और इसका पानी खुश कर लिया। ये मैं डाल रही हूँ अपनी कढ़ाई में। ये देखें, ये तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं साबुत, ये भी इसी तरह। और ये मैंने प्याज लिया है, 4 प्याज बड़े, उसको भी मैंने काट लिया इस तरह से। और ये है 2 बड़े टमाटर लिए, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए काट लिए, इसके भी बड़े बड़े टुकड़े मैंने किए। अब इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी 1 चम्मच। देखिए कीमा मेरा मटन का है। और इसमें अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जाएगी लाल मिर्च। हल्दी जाएगी हसबे ज़रूरत, जितना चीज़ हो उसमें उस हिसाब से हल्दी डाली जाती है, ये रही हल्दी। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर का 1 चम्मच, और नमक का भी 1 चम्मच ही जाएगा इसमें। अब इसमें थोड़ा मैं डालूँगी गर्म मसाले का 1/2 चम्मच, क्योंकि हमने आप खुद खाना है इसलिए इसको ज़्यादा हैवी वो नहीं बनाना, हमने एक बच्चे खाते हैं और नॉर्मल मिर्च होनी चाहिए। और इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी का। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इसके नीचे मैंने आग जला दी और इसको मैंने अच्छी तरीके से हिला देना है। और अभी मैंने इसमें डालना है वो साबुत बड़ी इलायची और लौंग। ये बड़ी इलायची है और ये है दालचीनी का टुकड़ा। और इसमें मैं 2 करूँगी ऐड लौंग, 1 मैंने डाल दिया, ये 3 हो गया। इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद, क्योंकि कीमे ने भी पानी छोड़ना, पानी मैंने इसमें भी डाला, इसको तकरीबन हमने 10 मिनट तक किसी तरह ढाँक के पकाना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हमने इसकी बुनाई करनी है, फिर हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये देखें जी, हमारा कीमा पक रहा है, अभी तकरीबन और 5 मिनट ये पकेगा। इसमें जो सारा पानी है खुश्क हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। इसमें दही डाल के इसकी बुनाई करेंगे, फिर हम इसको अच्छे से घी डाल के ये आयल डाल के इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगी हमारी आज की रेसिपी। और आप लोग देखते हैं तो हमें चैनल को ज़रूर वॉच तो करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों को के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यही आप लोगों की तरफ से हमें आराम होता है और आप लोगों का प्यार होता है, और हम नई नई वीडियो लेके आपके लिए आते हैं। ये देखें जी, तकरीबन हमारे कीमे का पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही की, जो मैंने ये घर का दही है, इसको इस तरह डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसमें बलाई हुई है, और इसको हम अच्छी तरह से दही के पानी में, अब जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता तब तक हमने इसको इसी तरह पकाना है। और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें आयल डालेंगे और इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर देंगे। ये देखें, ये बस तकरीबन 1/2 घंटे की है और ये मटन कीमा है, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को दें, अपने मेहमानों को खिलाएं। ये देखें जी, दही का पानी जो दही था वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल हमने डालना है तकरीबन 1 छोटे कप के बराबर, काफ़ी हो गया है। अब हमने इसको ऑयल में थोड़ी सी आँच जो है चूल्हे की वो तेज़ करके ना हमने इसकी बुनाई करनी है। पहले मैंने हल्की आँच पर रखा था, अब इसकी बुनाई करनी है, थोड़ी सी हमने आँच तेज़ करनी है। इस तरह से चमचा हमने हिलाते रहना है और इसकी बुनाई करते रहना। तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे हमारी इसकी बुनाई होते हुए, और हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो जाना है। ये देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा ये ज़ीरा इस तरह से हाथों पे मल के टेस्ट के लिए इस तरह डालूंगी ज़ीरा, और थोड़ी सी हमने काली मिर्च का टच देना है। ये देखें इस तरह से,
और अब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा हलाना, ये देखिए भून भून के इसका कलर भी चेंज हो गया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका टेस्ट और अभी से खुशबू आ रही है। और ये देखें अभी मैंने 2 मिनट इसको भूनना और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा इसको रस्मी सा बनाना है, जिसमें कहते हैं वो थोड़ा सा बुर्की लगने के लिए और रोटी खाने के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखें बनना तो ये इसी तरह बिल्कुल बहुत मज़े का है। मैंने तो इसको इसी तरह रखना है। माशाल्लाह से कीमे ने घी छोड़ दिए और कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह, ये देखिए दानेदार कीमा बना, हर चीज़ इसमें किस तरह घुल मिल गई है। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको डिश में डाल के आपको दिखाती हूँ। मेरे अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक की बरकत। ये देखिए मेरे मौला ने कितने रंग बिरंगे हमको खाने का दिए। ये देखें अल्लाह की शान, माशाल्लाह से आपको भी खुशबू आने लगी होगी, दिल तो करता होगा ना, मुँह में पानी आ गया, कैसा मज़े का कीमा बनाए। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ये रखते हैं इस तरह से। हरी मिर्च मैंने काटी है थोड़ी सी, ये ऊपर से धनिया डालते हैं। ये देखें क्या इसकी खूबसूरती है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में, आपकी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी में, आपकी दुनिया आखरत में बरकत डाल ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।